जीएचएमसी एसीपी टाउन प्लानिंग की जानिब से बंजारा हिल्स रोड नंबर 12 में एक दुकान को मुनद्दम किया जा रहा था। वाकई की फौरी मिली इत्तला पर कुलहिन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन रुकन खानून सास काउंसिल मिर्जा रहमत बे कादरी ने मुकाम वाकया पहुंचकर जीएचएमसी कमिश्नर रोनाल्ड रोज से बात की और इस दुकान के निदाम को फौरी तौर पर रुकवा दिया। रुकन खानून सास काउंसिल ने बल्दी अहदेदारों पर बरहमी का इजहार किया और कहा कि इस वाकये की एक मुकम्मल रिपोर्ट तैयार की जाएगी और सदर कुलहिन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी को पेश की जाएगी। इस मौके पर मिर्ज़ा रहमत बे कादरी के हमरा मजलिस के मलापल्ली कॉरपोरेटर ज़फ़र ख़ान भी मुकाम वाकये पर मजलिस के सुदूर मुतमदीन के साथ मौजूद थे। अभी क्या बोले आप, कंप्लेन कहाँ है, कंप्लेन बताओ आप। गरीबों के ऊपर जुलम करते आप, तरीका है ये कंप्लेन, जिसका बोले सर कहाँ है आप, मंगाओ मंगाओ कंप्लेन, इसका कंप्लेन मंगाओ मंगाओ। क्या है साहब, तमाशा कर रहे हैं आप लोग, ये गवर्नमेंट को बदनाम कर रहे हैं आप लोग। केसीआर साहब एक तरफ बोल रहे गरीबों के साथ उम्र रहे, तुम गरीबों के ऊपर जुलम करते। स्कूल वाले जाके पूछोगे क्या, स्कूल वाले से मैं आप देखो साहब, एसीपी साहब मैं एक एमएलसी हूँ, मेरे सामने तुम जबानी बात नहीं करना, तुम कंप्लेंट क्या है लाऊं बात करता हूँ मैं, कमिश्नरगंज जाके बात करता हूँ मैं। क्या है तमाशा है ये, जाके देखो वहाँ पे नीचे जाने रोडों पे बैठे हुए रोडा कब्जा कर लेके, जाके उन लोगों को सताओ, अमीर लोगों को गरीबों को सता दे तुम। अमीर लोग कितने खर्चा कर रहे, बैठो मेरी गाड़ी में, बता दो बना ले रहे, चार चार पांच पांच फ्लोर बना रहे अमीर लोग करने जाओ। ए बाबू हेलो, तूने नहीं आ रहा, पीछे लो, पीछे ले आ रहा, पीछे ले आओ, सामने ले, तुम सामने ले आ रहा, पहले पीछे ले आओ, पीछे ले आओ, निकालो यहां से पहले, निकालो निकालो चल उठ, चल अपने देखना कोई इधर, चल बाबू चलो पहुंचा है, बोल रहे फिर मैडम यहाँ का ए सी पी बल्दिया का बोल रहा कि फिर मैडम निकालो, बोल रहे ये मेन प्रॉब्लम ही नहीं है। अंदर गली में तकरीबन 60-65 साल से उनका चिकन स्टाफ है, जुड़ने के लिए आ गए, उसके ऊपर हाईकोर्ट का आर्डर भी है। सदर मोहतरम बोले जाकर बताइए बोले, और सदर मोहतरम ने बल्दी कमिश्नर जनाब रोना रोड से भी बात की है। हम यही चाह रहे हैं कि गरीबों के ऊपर हमेशा जो फुटपाथ पर कारोबार करते हैं, गला मंडी का कारोबार करते हैं, गरीब लोगों के साथ नहीं है। और आज यहाँ पर आने का मकसद ये था कि गरीबों के ऊपर जुल्म होना बहुत, और गरीबों के ऊपर जब तक भी जुल्म होता तो हिंदुस्तान में एक वाहिद जमात है मंदिर से क्या अपनी आवाज़ उठाती है, गरीबों के हकूक के लिए लड़ती है, गरीबों के लिए अपना दिलाती है। क्योंकि आप देखिए आज जीएचएमसी में कई जगह जुलम होता है, तो बराबर मंदिर से जाकर जुलम के ऊपर गरीबों के साथ रहकर गरीबों को खाते खाना लगाकर उनको हक दिला के आज भी यहाँ पर आने का मकसद ये था कि हाईकोर्ट का आर्डर होने के बावजूद भी यहाँ पर आकर यहाँ के बच्चा के काम कोई नोटिस नहीं है, ना कोई कंप्लेंट है, कुछ भी नहीं। क्या बोले तो मेयर मैडम बोलिए, मेयर मैडम कर दो बोले। एक तरफ हुकूमत तेलंगाना चीफ मिनिस्टर जनाब केसीआर साहब हमेशा गरीबों के हमदर्द है, गरीबों के साथ रहते हैं, मगर हुकूमत को बदनाम करने के लिए उनकी पार्टी के हैदराबाद के मेयर ऐसा गरीबों के ऊपर जुलम कर रहे हैं। मंडी से क्या बर्दाश्त नहीं करेगी, शहर में कहीं भी गरीबों के ऊपर ठेला बंडी हो या फुटपाथ पे कारोबार करने वाले हो, उन
के ऊपर जुलूम होगा तो सदर मुखरम नसीबे मिल्लत अलहाज मेरे से नसीबुद्दीन साहब की आवाज़ बराबर होगी। रेडियो रंगों के साथ हम इंसाफ दिलाने के लिए बराबर कोशिश करेंगे। आज भी यहाँ पर आए, यहाँ पर रुकाए, मुझे अफसोस भी होता है कि एक गवर्नमेंट के ऑफिसर में से इतनी नाहली की बात करते हैं। साहब मेयर मैडम को फोन करे तो मैं सुनने आ गया, जे सी पी का गया यहाँ पर, जे सी पी हुए गरीबों के ऊपर चलने मंडी से ज्यादा नहीं देगी। बराबर हम इसकी मजम्मत करते हैं कि गरीबों के ऊपर जो दुकान है उनका रोजगार दस देने के दुकान के ऊपर बनते हैं। ऐसे कई हज़ारों लाखों लोग हैं जो फुटपाथ पर कारोबार करने वाले हैं, मंडी से ज्यादा उनके साथ है। बराबर हम आज की डिटेल रिपोर्ट सदर मोहतरम मसूद मिल्लत अलहाज मेरे से जाएगी। मैं और हमारे जफर खान साहब कारपोरेटर साहब हर वक्त यहाँ पर आकर जे सी पी को रवाना किए और पंजाब के ऑफिसरों को बताए कि आपके पास है क्या। तो हाईकोर्ट का आर्डर रहने के बावजूद भी मेयर मैडम बोलिए उन्होंने चलने वाला नहीं है। मेयर मैडम का भी घेराव करेंगे, गरीबों के हक के लिए लड़ने के लिए मेयर मैडम का भी घेराव करेंगे, उनको हक दिलाने के लिए गरीब करेंगे। शुक्रिया खुदा। असादुद्दीन अवैसी, रमेश भाई दारुसलाम बैंक रियासत तेलंगाना का मुस्तहकम बैंक जो गुज़िश्ता 35 साल से आवाम की खिदमात में मसरूफ है, जहां तमाम तर मॉडर्न बैंकिंग सहूलियत दस्तियाब है।